गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लासेस। ये क्लास नाइन्थ के इंग्लिश के बिहाइव टेक्स्ट बुक के पोएट्री का पोएम नंबर 5 है, ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाई फोएबी कैरी। इसका आज हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे विथ हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो ये बिना देर के स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड द सेंट पीटर कम टू द ओल्ड वुमेन्स कॉटेज, यानी सेंट पीटर बूढ़ी महिला की कुटिया पर कैसे पहुँचे। तो इसका आंसर होगा, वन इवनिंग सेंट पीटर वॉज वेरी हंग्री एंड फैंट विथ फास्टिंग, यानी एक शाम सेंट पीटर उपवास के कारण भूखे और कमजोर थे। इन सच अ स्टेट, यानी ऐसी स्थिति में ही केम टू द ओल्ड वुमेन्स कॉटेज, वह बूढ़ी महिला की कुटिया पर पहुंचे। इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब अबाउट द नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड के विषय में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर होगा, नॉर्थलैंड इज अ पोलर रीजन वेयर डेज आर शॉर्टर एंड नाइट्स आर लॉन्गर इन विंटर, यानी नॉर्थलैंड एक ध्रुवी प्रदेश है जहाँ पर सर्दी में यानी ठंडी में दिन छोटे व रातें लंबी होती हैं। पीपल यूज स्लेज फॉर ट्रेवलिंग, यानी यात्रा करने के लिए लोग स्लेज यानी गाड़ी का प्रयोग करते हैं। पीपल वियर फर क्लास, और लोग फर वाले कपड़े पहनते हैं यानी रोएदार कपड़े पहनते हैं। इसमें थ्री नंबर क्वेश्चन है, विच लीजेंड डज दिस पोएम टेल अबाउट, यानी यह कविता किस पौराणिक कथा के बारे में बताती है। तो इसका आंसर होगा, द पोएम अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड टेल्स अबाउट द लीजेंड ऑफ सेंट पीटर एंड एन ओल्ड वुमन, यानी यह कविता सेंट पीटर और एक बूढ़ी महिला की कहानी के बारे में बताती है। वंस बीइंग हंग्री सेंट पीटर आस्क द ओल्ड वुमन फॉर अ केक, यानी एक बार भूखा होने के कारण सेंट पीटर ने एक बूढ़ी महिला से एक केक मांगा, बट दैट सेल्फिश वुमन डिड नॉट गिव हिम एनी, परंतु उस स्वार्थी महिला ने उसे केक नहीं दिया। सो ही चेंज्ड हर इनटू अ वुड पेकर, इसलिए उसने उसे एक कठफोड़वे में बदल दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में अपने क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।